Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and in this video we will cover an important question. Jo question compulsory hota hai aapke MEG 06 exam mein generally. Puritan se related, that question we will cover in detail in this video. Please do not forget to like, share and subscribe the channel, and you can find the important links of other major topics of this particular subject MEG 06 in description. MEG 06 के आप कुछ और questions या कुछ और topics देखना चाहते हो तो that can be found in description of this video along with the link. आपको question direct या indirect sense में history of the Puritan से related आता है generally. तो सबसे पहले आप answer में लिखेंगे what is Puritanism. Puritanism एक प्रोटेस्टेंट मोमेंट थी, एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट थी दैट अपीयर्ड इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड. सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी विद अ गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ गॉडली सोसाइटी. सोसाइटी को बिल्कुल राम राज्य बनाने का एक पर्पस था प्यूरिटन्स का, बाय रिफॉर्मिंग और प्योरिफाइंग द चर्च ऑफ इंग्लैंड ऑफ ऑल रिमेनिंग रोमन कैथोलिक टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस. जितनी भी टीचिंग या प्रैक्टिसेस थी, कहीं से भी किसी में भी मॉडर्निज्म ना हो, सब लोग एक गॉडली सोसाइटी बनाना चाहे, अपने आप को रिफॉर्म, अपने आप को प्योर करें. दैट वॉज द पर्पस ऑफ Puritanism. I think many of you already know कि Puritans ने even theatres भी close करवा दिए थे England में. Puritans said that they had a direct bond with God. God के साथ उनका direct connection है, direct link है और God उनको advise करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए. So they have direct bond with God to make reforms. God उनको कहते हैं कि reform किया जाए. Under aid from church and crown, certain groups of Puritans migrated to northern English colonies in America. तो पहले तो इन्होंने इंग्लैंड में प्यूरिटनिज्म शुरू किया. जब हम न्यू इंग्लैंड की बात करते हैं तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, इट इज अ कॉलोनी इन अमेरिका. सो नॉर्दर्न इंग्लैंड वो जाना शुरू हुए कॉलोनीज इन अमेरिका 1620s एंड 1630s, लेइंग द बेसिस फॉर रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल ऑर्डर ऑफ न्यू इंग्लैंड. न्यू इंग्लैंड की जब मैं बात करूंगी तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉलोनी इन अमेरिका, नॉट इन इंग्लैंड. तो बेसिकली aspects of Puritanism have echoed throughout American life ever since. जितने भी aspects Puritanism के इन Puritans ने spread किए, वो कुछ ना कुछ aspect आज भी Americans की life में नजर आते हैं. ये मैप आप देखिए, आप मैप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का मैप, आप सभी लोग जानते हैं, तो this will be stamped forever in your mind that New England part of North America. So in the early 17th century, too many Puritans colonized North America, mainly in New England, this place which we are talking about, and this is the place you have to mention over and again in your exam. Puritans, as I told you, were generally members of Church of England who believed that the churches of England were insufficiently reformed. सही से जो rules, जो regulations होने चाहिए लोगों के लिए, वो follow नहीं किए जा रहे, according to these people, retaining too much of its Roman Catholic doctrinal roots. They are going according to Catholic rules, not as per those rules which are related to God directly. Puritans के क्या क्या फीचर्स थे और एक्चुअली वो क्या चाहते थे, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है पिलग्रिम्स और प्यूरिटन्स का डिफरेंस अंडरस्टैंड करना. दिस ऑल्सो यू शुड मेंशन इन द सेम आंसर. वन थिंग इज पिलग्रिम्स, वन थिंग इज प्यूरिटन. पिलग्रिम इज नथिंग बट तीर्थयात्री और प्यूरिटन पुरातनपंथी, अगर हम हिंदी करें तो. सो पिलग्रिम्स एंड प्यूरिटन्स वर टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेटलर्स. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पिलग्रिम्स और प्यूरिटन सेम है. दे वर टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेटलर्स दैट केम टू अमेरिका. बोथ ग्रुप्स हैड प्रॉब्लम्स विद द चर्च ऑफ इंग्लैंड. दोनों ही ग्रुप में ये चीज कॉमन थी. हाउएवर द पिलग्रिम्स वॉन्टेड टू सेपरेट फ्रॉम द चर्च. पिलग्रिम चाहते थे कि हम बस अपने ढंग से पाठ पूजा करें और अपने हिसाब से रहें, हम अपने आप को सेपरेट करना चाहते हैं. लेकिन Puritans क्या चाहते थे? Puritans wanted कि churches रहें, लेकिन हमें चर्च के रूल्स रेगुलेशंस चेंज करने हैं, हमें चर्च को रिफॉर्म करना है, हमें चर्च को प्योरिफाई करना है. सो पिलग्रिम्स केम टू अमेरिका इन 1620s एंड सेटल्ड इन सम कॉलोनीज, एंड Puritans आल्सो गॉट सेटल्ड इन सम कॉलोनीज. किस कॉलोनी में किस किस ने अपनी सेटलमेंट्स बनाई थी, दैट वी विल अंडरस्टैंड फर्दर इन दिस वीडियो.
पिलग्रिम्स केम टू अमेरिका इन 1620s. पिलग्रिम्स आए थे 1620s में, याद रखिएगा ईयर्स. एंड सेटल्ड प्लाइमथ कॉलोनी. एंड प्यूरिटन्स केम टू अमेरिका इन 1630s एंड दे सेटल्ड इन मैसेच्यूसेट्स बे कॉलोनी. सो इन प्लाइमथ कॉलोनी पिलग्रिम गॉट सेटल्ड एंड इन मैसेच्यूसेट्स बे कॉलोनी प्यूरिटन्स गॉट सेटल्ड. प्यूरिटन्स नंबर में बहुत ज्यादा थे और धीरे धीरे करके इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और इन्होंने अपने आप को स्प्रेड करना शुरू कर दिया. द प्यूरिटन्स वो अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ कॉलोनाइजर्स एंड वर क्वाइट वेल ऑफ. बहुत रिच भी थे. दे वर सच अ लार्ज ग्रुप दैट बाय 1640s दे वर एटलीस्ट 10,000 प्यूरिटन कॉलोनिस्ट्स इन अमेरिका एंड दे हैड टू स्प्रेड आउट. देखिए 1640s में 1630s में इन्होंने शुरू किया था और 1640s तक इनको स्प्रेड आउट होना पड़ा, इतनी इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई थी. दे एंडेड अप स्प्रेडिंग इनटू व्हाट वुड बिकम मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड एंड मेनी मोर नियर बाय कॉलोनीज. तो मेजरली उन्होंने अपने आप को इन कॉलोनीज में एक्सपैंड करना, स्प्रेड आउट करना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी पॉपुलेशन एंड पॉपुलैरिटी दोनों ही धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे. प्यूरिटनिज्म का आना अपने आप में अमेरिका के लिए एक हिस्टोरिकल इवेंट है. प्यूरिटनिज्म गेव अमेरिका अ न्यू हिस्ट्री सो कॉल्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ गॉड. और वो अपने आप को ये भी कहते थे हम गॉड की डायरेक्शन के, गॉड की विश और गॉड के कॉन्टैक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं. इन विच दे प्लेड अ रोल सिमिलर टू इफ नॉट प्रोफेटिकली अलाइन विद दैट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट ज्यूज एज अ न्यू चोजन पीपल. तो अपने आप को उन्होंने कहा कि वी आर दी चोजन पीपल बाय दी गॉड एंड वी हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद गॉड एंड वट एवर वी विल से दैट पीपल नीड टू फॉलो. अब देखते हैं कि आखिर ये प्यूरिटन्स चाहते क्या थे. एक एक पॉइंट को देखेंगे. द प्यूरिटन्स डिड नॉट ब्रेक विद द चर्च ऑफ इंग्लैंड जैसे कि पिलग्रिम्स ने किया था. पिलग्रिम्स वॉन्टेड टू ब्रेक विद द चर्च बट दे वॉन्टेड टू रिफॉर्म इट. उनके लीडर का नाम था जॉन विंथ्रॉप. यू कैन सी द पिक्चर. जॉन विंथ्रॉप रिमाइंडेड देम ऑफ देयर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस अंडर द पैक्ट. क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या क्या ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए गॉड के लिए जो कि फॉलो करने चाहिए लोगों को, चर्चेस को, स्पेसिफिकली प्यूरिटन्स को. दैट वर डिफाइंड. इफ दे ऑनर देयर ऑब्लिगेशंस टू गॉड दे वुड बी ब्लेस्ड, इफ दे फेल दे वुड बी पनिश्ड. काइंड ऑफ अ कर्मा थ्योरी, वेरी कॉमन, वेरी नॉर्मल. द प्यूरिटन्स believed God has chosen few people. God ने कुछ लोगों को अपने आप अपनी choice के हिसाब से choose किया है, elect किया है for salvation, मुक्ति के लिए. The rest of the humanity was condemned to eternal damnation. Few people, few chosen people will go for salvation and rest of them will go for damnation. Few will go either for salvation or to hell, maybe मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी लेकिन बाकी सब लोग नरक में जाएंगे. दे विल बी डैम्ड. लेट अस गो फॉर द समरी. दीज एग्जैक्ट वर्ड्स यू कैन राइट इन द एंड ऑफ योर आंसर. प्यूरिटनिज्म वाज अ रिलीजियस रिफॉर्म मोमेंट. रिलीजियस तो था ही क्योंकि गॉड से रिलेटेड था. रिफॉर्म इसलिए क्योंकि वो सुधार चाहते थे एंड इट वॉज विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड. सो फर्स्ट लाइन इज क्वाइट क्लियर. इट बिगेन इन द लेट 16th सेंचुरी इन इंग्लैंड. शुरुआत में इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी बट सून स्प्रेड टू द नॉर्दर्न इंग्लिश कॉलोनीज इन द न्यू वर्ल्ड, स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका. द प्यूरिटन्स इन अमेरिका लेड द फाउंडेशन ऑफ द रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ न्यू इंग्लैंड कॉलोनियल लाइफ. वहां की लाइफ को उन्होंने अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया. प्यूरिटनिज्म इन कॉलोनियल अमेरिका हेल्प शेप अमेरिकन कल्चर, पॉलिटिक्स, रिलीजियन, सोसाइटी एंड हिस्ट्री वेल इनटू द 19th सेंचुरी. धीरे धीरे ये लोग अपने आप को इन्होंने अपने आप को इतना पॉपुलर कर लिया कि 19th सेंचुरी तक इन्होंने प्रिवेल किया वहां पर. और अभी भी कुछ ना कुछ ग्लिम्पसेस वहां की लाइफ में वहां के लोगों के कल्चरल स्टाइल में नजर आ जाते हैं प्यूरिटनिस्ट्स के. एंड दीज वर द नेम ऑफ द कॉलोनीज. आप कॉलोनीज के नाम भी एंड में मेंशन कर देंगे तो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज एंड योर एग्जामिनर इज रियली गोइंग टू लाइक इट. मैसेच्यूसेट्स, न्यू हैम्पशायर, कनेक्टिकट एंड रोड आइलैंड.
प्लीज डू वॉच द वीडियो 3 to 4 times जिससे कि आंसर आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए। यू मे ऑल्सो ज्वाइन द क्लासेस टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल कैन क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू गेट कनेक्टेड टू अस फॉर एडमिशन पर्पस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड पुट योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो।